क्या आपके वीडियो पे व्यू नहीं आ रहे हैं, क्या आपका वीडियो वायरल नहीं हो रहा है, क्या आपके YouTube चैनल पे सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं, आपने बहुत अच्छी वीडियो बनाई है, अपलोड की है, फिर भी कोई देख नहीं रहा है। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिससे आप परेशान हैं। तो आइए, ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो आइए मिलके सवालों का समाधान खोजते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, कितना भी अच्छा वीडियो हो बट उसे अच्छी तरह से अपलोड नहीं किया जाए तो वो वायरल नहीं होगा और लाखों करोड़ों लोगों तक नहीं पहुंच पाएगा। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे हमें अपने वीडियो को अपलोड करना है, किस बातों का ध्यान रखना है, किस पैरामीटर को फॉलो करना है। तो आइए फटाफट देखते हैं कि वो कौन से पैरामीटर हैं। इस वीडियो में मैं आपको 9 पैरामीटर बताने जा रहा हूं। अगर आप 9 पैरामीटर को फॉलो करते हैं तो 100% आपका वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगा। तो पहला पॉइंट है अपलोड HD थंबनेल और कवर फ़ोटो। हमें अपने वीडियो के फ्रंट में एक कवर फ़ोटो बनाना है और उसको सेट करना है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वो कवर फ़ोटो पहुँचे, दिखे और वो उस पर क्लिक करके आपके वीडियो को देख पाएँ। दूसरा पॉइंट है ऐड टैग इन वीडियो टाइटल बॉक्स। वीडियो के बारे में जब भी आप टाइटल बॉक्स में लिखते हैं तो ऐसे वर्ड का यूज करें जो कि ज़्यादा से ज़्यादा सर्च में आए, जिसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग सर्च करते हों। तीसरा पॉइंट आपको बता देता हूँ, तीसरा पॉइंट है वीडियो टाइटल लेंथ। हमें ध्यान में रखना है कि वीडियो का जो टाइटल है उसका लेंथ कितना होना चाहिए, सुटेबल लेंथ कितना हो कि ईजिली किसी को वो दिख जाए और सही से आदमी पढ़ पाए और फिर उसके हिसाब से उस पर क्लिक करे, आपका वीडियो देखे। चौथा पॉइंट है ऐड टैग्स एंड हैशटैग इन वीडियो डिस्क्रिप्शन। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमें ज़्यादा से ज़्यादा टैग्स और हैशटैग्स यूज करना है। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है टैग्स और हैशटैग्स में। टैग्स होते हैं जो कि वैसे वर्ड जो कि ज़्यादा से ज़्यादा सर्च किए जाते हों, और हैशटैग वो होता है जो कि हम हैश सिंबल के साथ यूज करते हैं। पाँचवा पॉइंट है टैग्स लेंथ। जब टैग हम लिखते हैं तो उसका लेंथ भी हमें अपने माइंड में रखना होगा कि इसका लेंथ कितना होना चाहिए। छठा पॉइंट है ऐड कैप्शन इन वीडियो। कैप्शन का मतलब है कि जब भी वीडियो प्ले होता है तो नीचे आपने देखा होगा कि इंग्लिश में या हिंदी में लिखा हुआ आता है, मतलब उसका डिस्क्रिप्शन। अगर मैंने वीडियो को हिंदी में बनाया हुआ है तो मुझे कैप्शन इंग्लिश में उसमें डालना चाहिए कि वो अगर इंडिया से बाहर देखा जा रहा है तो नीचे वहाँ पर इंग्लिश में डिस्क्रिप्शन आता रहे और जो हिंदी नहीं समझते हैं वो इजीली इस बात को देख पाएँ और समझ पाएँ। सातवां पॉइंट है ऐड कार्ड्स इन वीडियो। कार्ड्स का मतलब है जब वीडियो प्ले होता है तो उस दौरान बीच बीच में हम पॉपअप पे नोटिफिकेशन टाइप में दिखा सकते हैं, किसी वीडियो का लिंक वहाँ पे दे सकते हैं, प्लेलिस्ट दे सकते हैं या फिर एक्सटर्नल लिंक भी हम दे सकते हैं कि यूज़र उस पर क्लिक करके कोई और वीडियो भी देख सके। आठवां पॉइंट है ऐड एंड स्क्रीन। जब आपका वीडियो एंड हो रहा हो, फिनिश हो रहा हो, तो एंड पे आपको दूसरा कोई वीडियो डालना है या किसी प्लेलिस्ट पे क्लिक करवाना है या फिर सब्सक्राइब करवाना है, बहुत सारे ऑप्शन यूट्यूब ने दिया है, उसको आपको ऐड करना चाहिए कि यूजर जो कि व्यूवर है वो आपके वीडियो को देखे और जब फिनिश हो जाए तो वहीं से क्लिक करके दूसरा वीडियो भी देख पाए। और लास्ट पॉइंट है नाइन्थ, वह ऐड टू प्लेलिस्ट। आप अपने वीडियो को एक ग्रुप में डालिए, जैसे आपने कुछ वीडियो बनाए जो एक टॉपिक पे था तो आप एक प्लेलिस्ट क्रिएट कर लीजिए और सारे वीडियो को उसके अंदर डाल दीजिए। तो जब भी कोई व्यूअर आएगा, एक वीडियो देखेगा तो उससे रिलेटेड आपको प्लेलिस्ट में और भी वीडियो दिखेंगे, तो वो उसमें जाके सारे वीडियो को देख सकता है और इससे आपका जो व्यू है वो इंक्रीज होगा। तो ये 9 पॉइंट हैं जिसको आपको फॉलो करना है, और अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो 100% आपका जो वीडियो हो मैक्सिमम लोगों तक पहुंचेगा। तो अभी मैंने ओवरव्यू दिया है, डिटेल में इस पे हर एक पॉइंट पे मैं वीडियो बनाऊंगा और आपको उससे हेल्प मिलेगा। आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।